हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे जो हमारा पेपर फर्स्ट है। हम क्या कर रहे हैं, हम आजकल पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पेपर फर्स्ट है ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट है इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में ही बच्चे क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर नहीं ला पाएंगे और वो यहीं से ये कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो क्या करना है, तो हमें जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है इसे हमें बेसिकली बहुत ध्यान देना है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं बताऊंगा और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिससे क्या होगा आप उस तरीके की तैयारी करेंगे और जिससे आप जो मैक्सिमम मार्क्स हैं कंप्यूटर में आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएंगे, जिससे आपका जो सिलेक्शन है उसका जो हमारी 200% बढ़ जाए, जो सिलेक्शन है हमारा वो सिलेक्शन बढ़ जाए। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर में किस टाइप के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारी चीज़ें। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सकें और आप उसी तरीके से तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमारा कंप्यूटर है, देखिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद ही एक आपकी कंप्यूटर की जो क्लास होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिससे आपकी कंप्यूटर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक बात याद रखिए, जो हमारे कंप्यूटर हैं ये कंप्यूटर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। UP SSC में सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो ये जो है, देखिए ये जो मैं इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ये आपका UP SSC, जो हमारा UP SSC 2015 का एग्ज़ाम हुआ था, इसके क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए हैं। जो 2015 में टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, जैसे आपके देखिए 100 का था, 100 में आपका यहाँ पे रीजनिंग भी था और आपका जनरल नॉलेज था और कंप्यूटर था। तो इसमें देखिए कंप्यूटर का आपका 175 से मतलब 175 से लेकर कितना आपका यहाँ से लेकर 175 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल आपके कितने 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं। तो सारा हम यहाँ पे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर माउस इज द काइंड ऑफ डिवाइस, जो कंप्यूटर का माउस होता है वो किस टाइप की डिवाइस होती है, वो इनपुट डिवाइस होती है। तो ये हमसे पूछा गया था। फिर व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट, अगर हमें इनमें से हम क्या चीज़ सेलेक्ट करेंगे, अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट देनी होगी तो हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए, MS Word इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का है, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी टफ नहीं है, क्वेश्चन एकदम ईजी है। तो बट क्या है, अगर आपने देखिए इसमें मैंने आपको शुरुआत में ये आपको हिंदी में भी दिखाए हैं क्वेश्चन, फिर उसके सॉरी इंग्लिश में दिखाए हैं, साथ ही साथ आपको ये हिंदी में भी दिखाए गए हैं। तो आप इन्हें यहाँ पर देख लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन की ही आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखिए ये चीज़ हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल मे बी यूज फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए www, जो देखिए हम जब भी वेबसाइट पे लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए www. करके होता है, तो वहाँ पे http का होता है, मतलब दिया होता है पहले http होता है, फिर स्लैश करके होता है, फिर पॉइंट होता है, फिर www, इस टाइप से करके आपका दिया गया होता है। तो हमारा जो ये प्रोटोकॉल है इसमें http आ जाएगा। और फिर दूसरा बात करें कि html का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए html का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो ये सारे जिस टाइप के क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे और जो भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। और जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, जो कंप्यूटर में देखिए इस बार जो सिलेबस दिया गया है इस सिलेबस से रिलेटेड ही जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं। तो देखिए जो हमारा ये पेरिफेरल डिवाइस है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट में अगर हम इस डिवाइस की बात कर लें पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर
कि हमारा क्या देखिए कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जो जनरेशन है कौन कौन सी जनरेशन है, जैसे हमारी जनरेशन की बात कर लें पहली जनरेशन है, दूसरी जनरेशन है, तीसरी है, चौथी है और पांच जनरेशन है। तो पहली जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ करा है हमने, दूसरी में जैसे हमने यूज़ करते हैं हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया है हमने, और हमारा हो जाएगा आईसी यूज़ किया है, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, और हमारा एआई यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और हम इसमें ही देखेंगे हमारा जो इनपुट इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं इनके बारे में, जैसे देखिए अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, वो भी हम देखेंगे साथ ही साथ, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सेकंड टॉपिक देखिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की बात करें तो हम इसके अंदर देखेंगे जो हमारा बाइनरी नंबर क्या होता है, आपका आपका जो डेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी हो गया, डेसिमल हो गया, आपका ऑक्टल नंबर क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, ये देखेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखेंगे जैसे बाइनरी का जो हमारा बेस कोड होता है, बाइनरी का बेस कोड 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। तो ये सारी बहुत जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और तीसरा चैप्टर हो गया ये हमारा देखिए ये मेमोरी से रिलेटेड, तो मेमोरी से रिलेटेड दो चीज़ें आपको पता होंगी कि हमारी वॉलीटाइल मेमोरी एक होती है, दूसरी नॉन वॉलीटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो वॉलीटाइल मेमोरी कौन सी होती है और नॉन वॉलीटाइल मेमोरी कौन सी होती है हम जानेंगे। फिर हमारा रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, आपका आरचे क्या होता है, ठीक है। और जैसे रैम हो गई, रैम की मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक आपकी स्टैटिक होती है और एक आपकी डायनेमिक होती है। तो हम ये डायनेमिक रैम के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम रोम की बात कर लें तो रोम में हमारा रोम हो गया, फिर PROM हो गया, इसका फुल फॉर्म देखेंगे EPROM हो गया। ये देखिए ज़्यादातर एग्जाम में क्या होता है फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे हमारे सिलेबस रिलेटेड, वहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लें तो इसमें हमें पता है कि देखिए हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है आपकी, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है आपकी, मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, और इस टाइप की जो भी लैंग्वेज होती है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इंटरनेट हो गया, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल हो गया, देखिए इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखे ही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके कितने टोटल 10 वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो ये 10 वीडियोस आपको देखने हैं, इससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ये देखिए ये क्या है आपका, देखिए ऊपर मैंने आपको इंग्लिश में दिखाया था, ये उन्हीं का हिंदी में दिया हुआ है। और इसके बाद ये आपके उसके बाद जो क्वेश्चन है कुछ और क्वेश्चन है ये थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। तो देखिए इसमें अब कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में बताया है, तो ये जो फोर्टलाइन कौन सी है, कोबाल कौन सी है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट क्या होता है हमें पता है, आईपी होता है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, जैसे हमने बताया था असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटेड तीन चीज़ें होती हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, ये हाई लेवल को मशीन लेवल में चेंज कर देता है। तो देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर कैलकुलेशन किससे करते हैं हम लोग, इससे करते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड, जो कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड जैसे मैं बता दूं कि आपका इनपुट डिवाइस क्या है, हमारा कीबोर्ड है, और कीबोर्ड में कितनी अल्फ़ाबेट होती है, तो अल्फ़ाबेट तो हमें पता ही है कि 26 होती हैं, तो इस टाइप की कितनी कीज होती हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको एमसीक्यू डेली किए जाते हैं, तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो उसे आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।